अलाबामा संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे अच्छे शहरों में गिना जाता है, जहां जाकर आप सुकून के पल बिता सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब के अलावा इस राज्य में कई स्थान ऐसे भी हैं जहां पर भूतहा गतिविधियों का होना आम बात है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस नाइट्स इंडिया और आज इस वीडियो में हम आपको अलाबामा के कुछ भूतहा स्थानों से रूबरू कराएंगे। कहा जाता है कि फरवरी सन 1835 में बॉइंगटन नाम के एक आदमी को किसी के कत्ल करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद उसे फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी पर चढ़ने से पहले बॉइंगटन ने दावा किया कि जहां उसे दफनाया जाएगा वहां पर एक ओक का पेड़ उगेगा जो कि उसकी बेगुनाही का प्रतीक होगा। आज उसकी कब्र के पास ओक का एक पेड़ है जिससे अक्सर रोने की या फिर सिसकने की आवाज आती रहती है। कहा जाता है कि इस पेड़ में बॉइंगटन की आत्मा बसती है। अलाबामा के डेमोपोलिस में स्थित इस घर को बनाने में करीब 20 साल का समय लगा था। ये घर अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान बनाया गया था। अक्सर इस घर में किसी जवान लड़की की आत्मा को पियानो चलाते हुए देखा जाता है और उस लड़की की मौत आज तक एक रहस्य है। दोस्तों, इस घर में अक्सर एक लड़की की आत्मा को खिड़की से झांकते हुए देखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वह आज भी अपने आशिक का इंतजार करती है जिसकी मौत अमेरिकी सिविल वॉर में हुई थी। अलाबामा में ये कहानी अ फेस इन अ विंडो के नाम से काफी मशहूर है। कहा जाता है कि सन 1878 में हेनरी वॉल्स नाम के एक आदमी ने इस इमारत को जला दिया था, जिसके चलते बहुत से जरूरी कागजात जलकर राख हो गए। बाद में इस बिल्डिंग की मुरम्मत की गई और हेनरी को गिरफ्तार करके उसे बेसमेंट में कैद कर दिया गया, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा यहां पर आज भी भटकती है और अक्सर इस इमारत के एक शीशे में एक रहस्यमय चेहरे को देखा जाता है जो कि लोगों के मुताबिक हेनरी की आत्मा है। इस घर को सन 1860 में चार्ल्स और कैरोलिन रिचार्ड्स ने बनाया था। कहा जाता है कि इस घर में अक्सर किसी के हंसने और किसी बच्चे के गुनगुनाने की आवाज सुनाई देती है। इस घर के खास बेडरूम में एक रहस्यमय परछाई को भी देखा जाता है। बर्मिंघम में मौजूद इस फैक्ट्री में उन वर्कर्स की आत्मा भटकती है जिनकी मौत यहाँ काम करते समय हुई थी। कहा जाता है कि उन वर्कर्स से हद से ज्यादा काम लिया जाता था और उन्हें मारा पीटा अलग जाता था। साथ ही साथ उन पर और भी बहुत से अत्याचार किए जाते थे और उन्हें छुट्टी भी नहीं दी जाती थी और ना ही उन्हें काम करने के पैसे दिए जाते थे। इन सभी अत्याचारों के चलते उनमें से अक्सर वर्कर्स की मौत हो गई और इसके बाद यहाँ पर बहुत सी रहस्यमय गतिविधियाँ होने लगी। सन 1926 में यहाँ पर रात के समय एक वॉचमैन को किसी अदृश्य शक्ति ने जोरदार धक्का दिया, जिसके बाद उस वॉचमैन को काफी गंभीर चोटें आईं। जब उसने आसपास ढूंढा तो वहां उसे कोई नहीं मिला। इसी तरह 1947 में यहां पर काम करने वाले 3 सुपरवाइजर्स रहस्यमय ढंग से गायब हो गए। जब वे होश में आए तो उन्होंने खुद को एक बॉयलर रूम में पाया। उनका कहना था कि होश में आने के बाद उन्होंने एक ऐसे आदमी को देखा जिसका आधा शरीर जला हुआ था और वह काफी गुस्से में था। साल 1971 में सैमुअल ब्लूमेंथल नाम के एक वॉचमैन का सामना एक वर्कर की आत्मा से हुआ जिसने उसे बुरी तरह पीटा। सैमुअल के मुताबिक वो आत्मा भी एक वर्कर की लग रही थी जिसका आधे से ज्यादा शरीर जला हुआ था। दोस्तों, इस फैक्ट्री में अक्सर ऐसी भूतहा गतिविधियां सबसे ज्यादा सितंबर और अक्टूबर की रात को ही होती हैं। आपकी इसके बारे में क्या राय है हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। 1852 से लेकर 1960 तक ये घर इरविन परिवार के 3 पीढ़ियों तक उनके पास रहा। इस परिवार के आखिरी पीढ़ी की मौत भी इसी घर में रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी, लेकिन उनकी आत्माएं आज भी इस घर में भटकती हैं। यहाँ रहने आई एक महिला का यह दावा था कि उसने अक्सर पुराने तर्ज के कपड़े पहनी हुई एक महिला को देखा है जो कि उसे खिड़की से घूरती रहती है। इसके साथ ही इस घर में मौजूद सामान का अपने आप हिलना बिल्कुल आम बात है। इस चर्च का निर्माण 1853 में किया गया था। इसके पास मौजूद एक कब्रिस्तान भी है जिसने इस चर्च को भूतहा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। साल 2008 में यहाँ पर आई एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अंधेरे में एक लाल रंग की चमकती हुई आंखों वाली एक रहस्यमय परछाई को देखा था जो इस कब्रिस्तान और चर्च में भटक रही थी। इसके साथ ही यहाँ पर एक फौजी की आत्मा को भी देखा जाता है जो किसी को भी यहाँ आने नहीं देता है और इसके साथ ही यहाँ पर एक बच्चे के रोने की आवाज़ भी आती है।
अलाबामा में मौजूद ये घर रहस्यमय परछाइयों का बसेरा माना जाता है। यहाँ पर काम करने वाले एक केयरटेकर का कहना था कि उसने यहाँ पर गवर्नर पैटन के बेटे बिली पैटन की आत्मा को भटकते हुए देखा था, जिसकी मौत अमेरिकी सिविल वॉर में हुई थी। यहाँ तक कि इस घर को मशहूर पैरानॉर्मल टीवी सीरीज द मोस्ट टेरिफाइंग प्लेसेस में भी दिखाया जा चुका है। तो दोस्तों, ये थे अलाबामा के कुछ रहस्यमय भूतहा स्थान। हमारे द्वारा बताए गए इन स्थानों में आपको सबसे ज्यादा डरावना स्थान कौन सा लगा, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।